राहुल गांधी ने आज पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में खुसरूपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के लिए वोट मांगा। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की, वहीं चुनावी वादे भी किए, साथ ही इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया। मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है, अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं अंशुल जी, जरा आगे आइए, इनको भारी बहुमत से जिताइए और इंडिया गठबंधन के हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी भारी बहुमत से जिताइए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए, इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। पटना के खुसरूपुर में राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी ने एक बार फिर से कहा कि वे जेल जाने वाली चेतावनी पर डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते, इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा, लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं, लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा द्वार किया है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार बताया। सम्राट ने कहा कि भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से बिहार आए हैं, तो सम्राट के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने सम्राट की भाषा को नफरत की भाषा बताया। लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं उससे यह स्पष्ट झलकता है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। इन लोगों की भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे, ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। अब छोड़िए, अब इन पे क्या बोला जाए, इनका कुछ चलता है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत गर्म है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो अंतिम चरण है, अब आने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी केवल खानापूर्ति कर रहे हैं, बिहार से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय, अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुँह से बिहारियों के पास जाइएगा। देखिए हकीकत है, महागठबंधन इंडिया अलायंस जो भी इन लोगों का नाम दे, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। सासाराम के तिलौथों में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि नवरात्र में गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाया जिसका उसे भगवान का श्राप लगा है। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जैसे देश को ठंडा कर दिया है, ऐसे में यहाँ के भी कुछ लोगों को ठंडा करने की जरूरत है। अरे गरीब के बेटा है तो मछली खा रहा है हेलीकॉप्टर में, आप बताइए नवरात्र में मछली खाया और ऐसा शरीर में भूसा की बेचारा व्हील चेयर पे चल रहा है।